आप सबका खैर मकदम है। इस नशरियात में मैं हूँ इस वक्त फकीर गुजरी, जो कि हारवंत से काफ़ी फासले पे दूर है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कतारों में यहाँ पे लोग हैं और अपना वोट आज कास्ट करने आए। कुछ यहाँ पे वोटर से आज बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सेकंड फेज़ है आज वोटिंग का, और इनसे बात करने की कोशिश, कुछ हमारे पे यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए, मोहम्मद फारूक गुजरात कहाँ रहते हैं आप? गुजरात। अच्छा, आज आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है अपने नुमाइंदे से? बहुत उम्मीद है। कैसी डिमांड है आप जो आप अपने नुमाइंदे के पास रखेंगे? असल डिमांड जैसे आप अपना नाम बताइए। गुलाम हसन बजरान। कहाँ रहते हैं आप? फकीर गुजरी। अच्छा, क्या नुमाइंदे के साथ आप क्या डिसाइड करेंगे कि क्या क्या कमियां उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, वो हमारे साथ अच्छा सुकून करेंगे? क्या उम्मीद है आपको? आपको हमें जो कामयाब करेंगे, बाद में हमारा काम करेंगे ये। किस तरह के काम की उम्मीद है आपको अपने नुमाइंदे से? वो बहुत सारा काम है, बेरोजगार लोग हैं हम, हमको महंगाई है, यहाँ कोई मिनिस्टर नहीं है, कोई MLA नहीं है यहाँ। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? फकीर गुजरी, मंखन मल्ले में। अच्छा, तो और आज आप पहली बार क्या वोट डालने जा रहे हैं? नहीं नहीं हमने डाले, इससे पहले भी बहुत बार डाले। अच्छा जी जी हाँ। जो आपके नुमाइंदे आज होंगे जिनको आप वोट डालने जाएंगे, क्या उम्मीद लगा रखे आप? यहाँ पे तो ज्यादा महंगाई है, यहाँ पे ज्यादा महंगाई है, बिजली फीस यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपए महीने का है, सब बेरोजगार है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, मजदूर पेशे यहाँ पे सारे गरीब है यहाँ पे। हमारी जो हमारा कैंडिडेट है, हम इसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे काम हो जाएं, जो हमारे जनवन काम है, जैसे नरेगा यहाँ पे पहले हो रहा था, अब वे होता ही नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है। अब 10 साल बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो आपको इस 10 साल में बहुत कमी लगी होगी? बहुत बहुत, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है, यहाँ पे मतलब बेरोजगारी भी ज्यादा बढ़ गई है, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई काम नहीं। मेरे साथ एक और यहाँ से, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है गुलाम रसूल बिजरान, फकीर गुजरी का। तो क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से आपको? हमको ये इलेक्शन के इससे ये उम्मीद है 10 साल में गरीबों पर जो गवर्नमेंट का बोझ चढ़ा है ना कर्जा, वो 50 साल तक गरीब नहीं चुका सकेंगे। क्यों? बिजली का फीस उस वक्त में थी 2014 से पहला 108, वही बिजली फीस है इस वक्त 1800 रुपया। और KCC लोन जिसमें बागूंगा जो हमारा फ्रूट था, 4 साल से नुकसान हो रहा, 50-50 हज़ार रुपया निकाला, वो उसके लिए वो माफ होगा नहीं। और पानी की फीस, यहाँ खाने के लिए रोजी नहीं है गरीब लोगों को, दिन को मजदूरी कर गए, शाम को क्या खाएंगे? अच्छा, उम्मीदें हैं अब ये सब मसले हल होंगे? 10 साल में गरीब जितने वो मर चुके हैं, गरीबों को 10 साल में कोई फायदा हुआ? कहते हैं ना वाजपेयी हमने ये किया वो किया, क्या किया? जमीन सतह पर जितना नहीं गवर्नमेंट का कर्जा चढ़ा दिया गरीबों पर। तो कुछ वोटरान से हमने कोशिश की बात करें कि और जानने की कोशिश की कि क्या इनकी उम्मीदें हैं इस इलेक्शन से, और जो नुमाइंदे हैं जो खड़े हुए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं इन वोटरान को उनसे कि क्या उनके जो मसले हैं हल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और वोटर्स हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे बड़ा क्यू है यहाँ पे, आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि एक कसीर तादाद में लोग हैं, सुबह अलग सुबह जो है वोट डालने आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो क्या सुना? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, कहाँ रहते हैं आप? फकीर गुजरी में। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? चलते हैं आप एक डालते हैं लोग वोट। उम्मीद क्या है आपको, जो आपका नुमाइंदा चुन के आएगा, क्या उम्मीद है उससे? हमें क्या उम्मीद है, हमें उम्मीद है जो जिसका होगा वो अपना अपना जिन लेगा, सब अपनी मर्जी से चल। इनके अख मजूर पेश इंसान, मतलब अख चीज तुम जिंदगी गई तबा, तो वो सोई उम्मीद, मतलब अख चीज के रोजगार, मतलब गुस्स जनाब मोहतरमो यु वस कह हिसाब अकिस मजूर सिंदगी वस। तुम प्राइम फोकस क्या है? द्रोजर शाके रोजगार, द्रोजर 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 को बेहोद, मतलब अख चीज के कहें तुन ये कहन कंस सत अकिस दुकानदार गो तक हिसाब बेस जाए गो ब्या हिसाब बसान तुम वोट त्रि गुंद मसल हल उम्मीद यहां कि मतलब अख चीज कि अगर अस पुन यह हक मतलब अदा कर। 10 वरी बाद गई इलेक्शन, तुम कत बा चेंज या तुम कह खुशी ये इलेक्शन मे हिस्सा? जबरदस्त वस जबरदस्त जबरदस्त खुशी, उम्मीद बढ़े उम्मीद यन वाजि गवर्नमेंट सो बसान लुकन तम कर खदमत वाद कर उम्मीद दब इस पुरान कह तो ताबाल वनुक ताम वो कहें वनुक तम वो अक हस्पताल
तुम वो हारवान सरीनगर ये पे पेशेंट पे नुन तो थवक दिस मन सरी एक बन डाक्टर बिचार डाक्टर बिचार ये पे लेडीज लेडीज कह मतलब आज कहें हल ये रहमान हमको बहुत खुशी हुई आज यानी कि हमको फिर से मौका मिला है वोट डालने का। हम सब लोगों ने अपना काम छोड़ के आज सब लोग आए यहाँ पे वोट डालने के लिए, तो हमें बहुत खुशी हुई। क्या उम्मीदें हैं जो चुनिंदा नुमाइंदे आएंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको इनसे? क्या हमको उम्मीद है कि हमारा जो काम अधूरा पड़ा है तो ये हमारा पूरा ये अधूरा काम भी पूरा होना चाहिए। किस तरह के काम अपने आप नुमाइंदे के पास रखेंगे जो आपके यहाँ अधूरे काम पड़े हुए? जी हमारे बहुत सारे काम है, रोड है, जैसे कि बिजली का मसला है, कि पानी का मसला है, तो ये हमारे। आप एक नौजवान हो, क्या रोजगार का मसला आपको नहीं लग रहा? जी रोजगार का भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे, रोजगार नहीं मिलना चाहिए। अभी क्या काम कर रहे हैं? जी हम यही लेबर का काम करते हैं। अच्छा जी, अच्छा आपके क्या नजरिए से एक नुमाइंदा जो चुन के आएगा वो किस तरह का रोजगार आपको दे सकता है या आपको उम्मीद है क्या होना चाहिए? जी हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि हमको पूरा ये रोजगार मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। भाई किस तरह का रोजगार आप चाहते हैं? हम किसी हर कोई रोजगार, कोई भी रोजगार हमको चाहिए। आपको लगता है कि ये कर पाएंगे? हाँ इंशाल्लाह करेंगे। चलिए हम अभी फकीर गोजरी जो हरवन का एक लास्ट विलेज है श्रीनगर से, और ये यहाँ पे जो आशिया नकाश और सलमान अली सागर जो मेन कैंडिडेट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और भी आज़ाद उम्मीदवार है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ उनका कहना था आपने इस वाज़ेह रिपोर्ट में सुना है। नदीम गुलजार, GK TV, फकीर गोजरी।